फार्मेसी बिजनेस के लिए स्ट्रिप के ऊपर इस टाइप की मेडिसिन स्ट्रिप के ऊपर बारकोड लेबल कैसे जनरेट होगा, कैसे लगाएंगे और कैसे बिलिंग होगा उसका पूरा डिटेल देंगे। तो ये मेडिसिन के ऊपर लगाने वाले फ्री बारकोड लेबल्स का सॉफ्टवेयर हमने लॉन्च कर रहे हैं आज। ये स्क्रीन दिखाओ, बारकोड लेबल सॉफ्टवेयर फार्मेसी। तो ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आप इजीली प्रिंट बारकोड लेबल में जाकर आप प्रिंट निकाल सकते हो। ये देखिए, ये मैंने फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैं प्रीव्यू मार रहा हूँ। ये देखिए पूरा मेडिकल स्टोर का नाम आ गया, यहाँ पर मेडिसिन का नाम आ गया, उसका कंटेंट आ गया, एमआरपी आ गई, बैच नंबर आ गया, एक्सपायरी डेट आ गई। ये डोज है 0-1-1, मतलब सुबह में नहीं लेना है, दोपहर में एक लेना है, शाम को एक टेबलेट लेना है, आफ्टर फूड। ये इंस्ट्रक्शन भी आ गया और बारकोड लेबल भी आ गया। जो इस टाइप के बारकोड लेबल प्रिंट होंगे ये मैं पूरा आपको आज दिखाने वाला हूं दोस्तों। थैंक यू। फ्री बारकोड लेबल प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर फार्मेसी। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर हम आज आपके लिए लेके आए हैं बारकोड लेबल गुरु डॉट कॉम के ऊपर, जिसके अंदर मेडिसिन के ऊपर मेडिसिन की स्ट्रिप हो गई या सिरप हो गया, इंजेक्शन हो गया, वायल हो गया, उसके ऊपर लगाने वाला बारकोड लेबल। जो बारकोड लेबल आपको पूरा स्टोर का नाम, एमआरपी, बैच, एक्सपायरी, उसका डोज कैसे लेना है, उसकी एडवाइस, वो सब चीज़ों के साथ आपको प्रिंट करके देगा। ये सॉफ्टवेयर आप बारकोड लेबल गुरु की हमारी वेबसाइट है बारकोड लेबल डॉट गुरु, वो वेबसाइट पे जाना है। लेबल प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये सब फ्री लेबल प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पे फार्मेसी लेबल प्रिंटिंग के ऊपर क्लिक करने से आपको ये पूरा पेज ओपन होगा। फार्मेसी लेबल प्रिंटिंग के अंदर यहाँ पर ये पूरा सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है, ऑपरेट करना है, उसकी टेक्स्ट टू टेक्स्ट गाइड है। और यहाँ पर ही आपको ये डाउनलोड फ्री नाउ का बटन दिख रहा है, यहाँ पर डाउनलोड करना है। आज इस वीडियो के अंदर ये सॉफ्टवेयर पूरा कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है हम सिखाएंगे। ये देखो गूगल ड्राइव में चला गया, यहाँ टॉप में राइट में ऊपर ये देखो डाउनलोड का बटन है, यहाँ पर क्लिक करना है। पूरा सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, ऑपरेट कैसे होगा और उसके बाद बारकोडिंग से बिलिंग कैसे होगा, वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये लाइव वीडियो चल रहा है, आपको एकदम पूरा डिटेल के साथ हम लोग बताने वाले हैं दोस्तों। ये देखो यहाँ पर ये आ गया, गूगल ड्राइव कांट स्कैन फॉर दिस फाइल फॉर वायरसेस, दिस इज एग्जीक्यूटेबल फाइल, मे हार्म योर कंप्यूटर। हर एक exe फाइल के लिए ऐसा ही मैसेज आता है, आपको डाउनलोड एनीवे का बटन दबाना है। यहाँ पर ये सिर्फ 65 MB का फाइल है, बाद में क्रिस्टल रिपोर्ट चाहिए तो आप अलग से डाउनलोड कर लेना। ये डेस्कटॉप के ऊपर ये मेरा सॉफ्टवेयर सेटअप डाउनलोड हो रहा है, बारकोड सॉफ्टवेयर फार्मेसी _ सेटअप। ये मैंने सेव का बटन दबा दिया, ये सीधा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है दोस्तों, फिनिश हो गया डाउनलोड। तो हम देखते हैं डेस्कटॉप के ऊपर हमारा ये सेटअप का फाइल आ गया। सेटअप के फाइल को अब हमें डबल क्लिक करना है इंस्टॉलेशन करने के लिए। मोर इन्फो पे क्लिक कर दिया, विंडोज 10 में ऐसा मैसेज आएगा, विंडोज 7 में डायरेक्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। रन एनीवे का बटन दबाना है आपको, यहाँ पर आपको ये मैसेज आएगा, यस दबा दो, नेक्स्ट कर दो। ये बाय डिफॉल्ट डी ड्राइव में बारकोड लेबल सॉफ्टवेयर फार्मेसी करके एक फोल्डर बनाएगा, डी ड्राइव नहीं है तो सी ड्राइव में या ई ड्राइव में बना दे सकता है। आप ब्राउज करके ड्राइव को चेंज भी कर सकते हो। मैंने फिर से नेक्स्ट का बटन दबा दिया, फिर नेक्स्ट दबा रहा हूँ, ये आइकन को मैं डेस्कटॉप पे ले रहा हूँ और अब मैं इंस्टॉल कर दूंगा। ये सेटअप की फाइल की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। लॉन्च बारकोड लेबल सॉफ्टवेयर फार्मेसी, ये देखो ये डेस्कटॉप पे आइकन आ गया। इसको लॉन्च करने से पहले मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन के अंदर जाऊँगा
और उसके अंदर सेटअप फोल्डर में ये केतन अंडरस्कोर सपोर्ट फाइल है, ये खास चलाऊंगा। लोग ये सेटअप रन नहीं करते तो सॉफ्टवेयर फिर चालू नहीं होता है। नेक्स्ट इंस्टॉल, ये विंडोज़ के लिए ज़रूरी DLL फाइल है, ये इंस्टॉल करना ज़रूरी है। लास्ट में ऐसा मैसेज आए वहाँ पे आपको इग्नोर दबाना है। ये सपोर्ट की फाइल हो गई, ये हमारा सपोर्ट लेने के लिए टीम व्यूअर का सॉफ्टवेयर भी हमने दे दिया, इनवॉइस वगैरह PDF मतलब लेबल प्रिंट करने के लिए PDF भी इंस्टॉल कर सकते हो आप नहीं है तो, और ये WinRAR की फाइलें हैं जो ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हो आप। ये सॉफ्टवेयर मेरा पूरा इंस्टॉल हो गया, अब मैं इसको मिनिमाइज करूँगा और यहाँ पर ये फिनिश दबाऊँगा, सॉफ्टवेयर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए बारकोड लेबल सॉफ्टवेयर करके लिख के आ गया कंपनी। हमको यहाँ नई न्यू कंपनी नहीं क्रिएट करना है क्योंकि मैंने इसके अंदर सब सेट किया हुआ है, तो आप यहाँ बारकोड लेबल सॉफ्टवेयर के ऊपर ही डबल क्लिक कर दो। देखिए ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, ये पूरा फ्री सॉफ्टवेयर है। आपको यहाँ आइटम्स के ऊपर क्लिक करना है, आइटम में हमने एक मेडिसिन डाल के रखी हुई है सीप्लॉक्स 100 टैब, यहाँ न्यू दबा के आप नया मेडिसिन क्रिएट कर सकते हो। हम यहाँ सीप्लॉक्स के ऊपर डबल क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर मेडिसिन का नाम लिखना है, यहाँ उसका ग्रुप लिख देना है, एंटर कर दो एंटर कर दो, टैक्स लेब में टैक्स फ्री रखो। यहाँ पर आपके स्टोर का नाम आप एडिट कर सकते हो पेन का बटन दबाकर, ये आपके लेबल के ऊपर छपेगा। यहाँ पर फ़ोन नंबर है, पेन का बटन दबाकर इसको भी एडिट कर सकते हो। कुछ नहीं चाहिए तो आप डॉट लगा दो यहाँ पर, एंटर कर दो, यहाँ यूनिटी रहने दो, यहाँ मेंटेन बैच पर टिक मार्क कर दो, फिर एंटर करो। ये देखो एडिशनल फील्ड में ये आपका डोज आ गया। जनरली ये 011 मतलब सुबह में नहीं लेना, एक दोपहर में लेना, एक शाम को लेना है। तो ये इस तरीके से आता है, ये आफ्टर फूड है तो आफ्टर फूड एडवाइस भी लिख दिया, जब लेबल प्रिंट होगा तो उसके ऊपर ये भी छप के आता है। एंटर कर दो यहाँ पर, ये देखो ये बैच आ गई, ये एक्सपायरी, ये MM-YY फॉर्मेट में लिखना रहता है। हमने दो बैच डाल दी है यहाँ पर, यहाँ उसकी सेल प्राइस और MRP डाल दी। ये MRP आपकी प्रिंट होती है लेबल के ऊपर, बारकोड अपने आप सॉफ्टवेयर बना लेगा। मैंने अपडेट कर दिया, ये डिटेल आ गई। मैं आप प्रिंट बारकोड लेबल्स पे जा रहा हूँ, यहाँ पर एज पर ओपनिंग स्टॉक सिलेक्ट करके ओके का बटन दबा दूंगा। देखो दोनों मेडिसिन आ गई, जितनी मेडिसिन है यहाँ पे लिख के आ जाती है। मुझे जो मेडिसिन का बारकोड लेबल प्रिंट करना है उसके ऊपर यहाँ टिक मार्क कर दूंगा और जितने स्ट्रिप चाहिए उतने स्ट्रिप की क्वांटिटी लिख देता हूँ, दो दो लिख दिया मैंने। अब मैं प्रिंट का बटन दबाऊंगा, प्रिंट का बटन दबाने से इस तरीके से ये स्क्रीन खुल जाएगा। हमने तीन फॉर्मेट बनाए हैं, 34x20mm, 34x25mm, 50mm x25mm। ये मैंने 50x25 सिलेक्ट कर लिया, प्रीव्यू दबा रहा हूँ, ये प्रीव्यू आ गया। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा एनलार्ज करके बताऊंगा। देखो मनन मेडिकल स्टोर, फ़ोन नंबर, सी प्लॉक, सीप्रोफ्लोक्सासिन, MRP, बैच, एक्सपायरी, आफ्टर फूड और ये बारकोड, सब डिटेल आ गई। तो इस तरीके से बन जाता है। हमने दो दो क्वांटिटी अलग अलग बैच की मारी थी तो ये दो दो बन गया। हमको ये नहीं चाहिए, ये वाला 34x20mm का चाहिए तो ये थोड़ा छोटा फॉर्मेट में आता है, इसमें थोड़ी कम डिटेल आती है। इसमें मनन मेडिकल स्टोर, फ़ोन नंबर वगैरह चला गया, सिर्फ बारकोड का नंबर आ गया। ये स्ट्रिप के ऊपर ये आपका आसानी से आ जाएगा दोस्तों, वो भी हम दिखाएंगे कैसे सब स्टिक करना है। तो ये लेबल अब यहां से ही प्रिंट हो जाता है, आप प्रिंट दबाओगे और ये प्रीव्यू करोगे या प्रिंट करोगे, प्रीव्यू ओपन होगा, ये छोटा सा बटन दबाने से आपका लेबल प्रिंटिंग में चला जाता है। तो आइए चलते हैं लाइव प्रिंटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये लेबल शीट है, 34mm आप देख रहे हो इसकी विड्थ और इसकी हाइट है 20mm, जो हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है ये देखिए 20mm। जनरली 100mm की लेंथ आती है, 104mm की विड्थ होती है, 108 विड्थ लेबल प्रिंटर के अंदर ये प्रिंट हो जाता है। ये हमने यहाँ पर ये प्रिंट का सिंबल दे दिया और ये लेबल रोल है, ये देखो यहाँ पर फार्मेसी 34x20mm, अलग अलग 50x25, तो ये 34x25 सिलेक्ट कर रहे हैं और प्रिंट का बटन दबा रहे हैं। ये देखिए ये प्रीव्यू आ गया, एक रो में तीन लेबल है,
क्योंकि 34 mm की इसकी साइज है। ये प्रिंट का बटन टॉप में लेफ्ट कॉर्नर में हमने दबा दिया। अब ये जो हमारे पास लेबल शीट है उसको हम लेज़र प्रिंटर में डाल देंगे, ये लेबल रोल। अब लेज़र प्रिंटर में तो खैर क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, लेकिन ये आपको डेमो दिखा रहा हूँ तो मैंने, मेरे पास तो लेज़र प्रिंटर ही है तो वही डाल दिया। आपके लिए बारकोड लेबल प्रिंटर रेकमेंडेड है, वो आप परचेस करो, उसमें रोल डाल देना रहता है। ये मैंने देखो ये अंदर लगा दिया, आजू बाजू में से ये ट्रैकर भी लगा दिया ताकि वो पेज सेंटर में रहे। ये कैनन प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर, जिसके अंदर की मैंने ये स्टेशनरी दिखा लगा दी यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं, देखो ये कंप्लीट एकदम अंदर तक मैंने इसको डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर ये प्रिंट का बटन दबाऊंगा दोस्तों, और आप देखोगे ये प्रिंटर के अंदर ये कमांड चला गया है, ये आवाज़ आ रहा है प्रिंटर का, हमिंग का। और ये लेबल, ये देखो ये प्रिंट होके बाहर आ गया दोस्तों। तो ये है 34 mm by 20 mm का लेबल जो कंप्लीट प्रिंट हो गया। मेडिसिन का नाम, MRP, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, उसका ड्रग कंटेंट, बारकोड का इमेज और उसका नंबर, जिसको स्कैन करने से बिलिंग हो सकता है। अब हम 50 by 25 mm का भी एक लेबल का टेम्पलेट दिखा देते हैं दोस्तों लाइव करके। यहाँ पर दो दो क्वांटिटी कर रहा हूँ, मैंने प्रिंट का बटन दबा दिया सॉफ्टवेयर के अंदर। ये भी मैं लाइव आपको 50 by 25 mm का रोल दिखा दूंगा। यहाँ पर ये देखो ये येल्लो रह गया, यहाँ एंटर की की दबानी पड़ती है, नहीं तो क्वांटिटी लेता नहीं है, और चेकबॉक्स पे टिक भी करने का रहता है, नहीं तो बारकोड की इमेज आती नहीं है। यहाँ लिस्ट में से मैं ये 50 by 25 mm का साइज सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये मैंने प्रीव्यू का बटन दबा दूंगा। ये देखो 50 by 25 हमारे बारकोड लेबल सॉफ्टवेयर के अंदर ये क्रिस्टल रिपोर्ट की फाइल पड़ी हुई है। क्रिस्टल रिपोर्ट डाउनलोड करने की लिंक हमने ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये देखो प्रीव्यू आ गया है जिसमें ज़्यादा डिटेल आती है 50 by 25 में, थोड़ा साइज बड़ा होने से। अब मैं इसको प्रिंट में दूंगा, ये देखो 50 by 25 mm, इसके अंदर 50 mm इसकी विड्थ होती है, तो 100 mm के हिसाब से बारकोड प्रिंटर के विड्थ के हिसाब से दो लेबल आते हैं। इस शीट को भी मैं लेज़र प्रिंटर में ही रख दूंगा और आपको दिखा रहा हूँ। आपको ये लेज़र प्रिंटर में प्रिंट नहीं करना है, बारकोड लेबल प्रिंटर में प्रिंट करने से अच्छा रहता है। ये लेज़र प्रिंटर वाला लेबल थोड़ा फेडअप हो जाता है, क्वालिटी उसकी डिटेरियरेट हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। अब मैं ये लेबल दो दो क्वांटिटी है दोनों बैच के मैंने सिलेक्ट कर लिया, प्रिंट का बटन दबा रहा हूँ, ओके का बटन प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों। आप देखोगे प्रिंटर के अंदर कमांड चला गया, स्टेशनरी का पेपर देखो अंदर जा रहा है, आप देख पा रहे हो दोस्तों ये पेपर अंदर जा रहा है। और अब हम ट्रे के ऊपर देखेंगे, ये देखो ये पेपर आ गया 50 by 25 mm का, और मेरे पास ये देखो कंप्लीट लेबल का प्रिंटिंग होके आ गया है दोस्तों। सी ब्लॉक्स, मंथन मेडिकल स्टोर, ये भी नाम आ गया, स्टोर का फ़ोन नंबर भी आ गया, डोज कितना लेना है मेडिसिन का 011, और आफ्टर फूड वो भी आ गया। बारकोड लेबल हमारे प्रिंट हो गए, ये देखिए ये इसकी साइज है, अलग अलग साइज के अंदर आप बना सकते हो। ये जो साइज है लेबल का, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे हाथ में है, ये 34 mm by 20 mm का इसका साइज है। दूसरी साइज आती है 50 mm by 34 mm, ये साइज भी आ जाती है, और बड़ी साइज आ जाती है इस तरीके से दोस्तों। ये देखिए ये 50 mm by 25 mm का साइज है, इसके अंदर भी सब डिटेल प्रिंट हो गई, सब लेबल कैसे प्रिंट होना है मैंने दिखा दिया। अब ये स्ट्रिप के ऊपर लगा देते हैं, ये रहा स्ट्रिप, इसका ओरिजिनल जो बैच दिख रहा है उसके ऊपर नहीं लगा के हम थोड़ा साइड में लगा देते हैं, ये इस तरीके से। ये देखिए ये कितना बढ़िया लेबल यहाँ पर ये लग गया, आप देख सकते हो। मैं दूसरा लेबल दूसरा बैच का ले लेता हूँ, यही लेबल मैंने काट लिया और ये वाली स्ट्रिप के ऊपर लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो ये स्ट्रिप के ऊपर बारकोड लेबल हो गया। इससे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप जब मेडिसिन सिलेक्ट करते हो तो ये बैच नंबर और एक्सपायरी भी ये बारकोड के अंदर स्टोर हो गया है, तो जब आप स्कैन करोगे बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर
तो आपको हर बार बैच सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अब ये फैसिलिटी हमने हमारे फ्री बारकोड फ्री फार्मेसी बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसमें ही दे दी है, जिसके अंदर आप सेल्स इनवॉइस तो बना ही सकते हो और फुल फीचर मोड के दूसरे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये फ्री फार्मेसी बिलिंग सॉफ्टवेयर पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया, यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ फ्री फार्मेसी बिलिंग सॉफ्टवेयर 1 यूजर आईडी 1 लॉग इन कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर को मैं पूरा स्क्रीन के अंदर ले आता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ले चलता हूँ सेल के अंदर। ये मैंने न्यू दबा दिया, पेशेंट का नाम वगैरह सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ये रहा बारकोड, यहाँ सी प्लॉक्स मैं मैन्युअली सिलेक्ट नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं बारकोडिंग से सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर ये कर्सर है, अब यहाँ पर ये दिखाइए, ये देखिए, ये है मेडिसिन, ये है स्कैनर, इसको मैं मेरे बैकग्राउंड में ले लेता हूँ ताकि आपको सब चीजें समझ में आए एक साथ में। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्क्रीन पूरा खाली है और मैं अब स्कैन करूंगा यहाँ पर, तो ये मेडिसिन का स्कैन कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देखोगे कि मेडिसिन लोड हो जाएगी, ये मैंने स्कैन कर लिया, ये देखो आप देख पाओगे कि ये वाली मेडिसिन स्कैन हो गई सिप्लॉक्स 100 टैब। अब मैं फिर से दूसरी स्ट्रिप ले रहा हूँ जिसका कि बैच मैंने जानबूझकर अलग लगाया है, इसको मैंने स्कैन कर लिया यहाँ पर, हालांकि कर्सर नहीं है, मैं कर्सर यहाँ लगा देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर स्कैन कर रहा हूँ, ये देखिए ये मेडिसिन स्कैन हो गई, दोनों के अलग अलग बैच है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये देखो ABCDEF जो यहाँ पर ये मेडिसिन के बैच नंबर हमने लगा दिया है। तो ऐसे फटाफट इनवॉइसिंग हो जाएगा दोस्तों बिलिंग एप्लीकेशन के अंदर। तो ये है हमारा फार्मेसी बिजनेस के लिए मेडिसिन के ऊपर, सिरप के ऊपर, इंजेक्शन वायल, कोई भी मेडिकल रिलेटेड मेडिसिन रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है वो आपके स्टोर के अंदर आप इस तरीके से लेबल लगाकर आप इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हो और फास्ट बिलिंग कर सकते हो। ये लेबल बनाने का सॉफ्टवेयर फ्री है जो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक होगी, और ये वीडियो के अंदर तो हमने आपको पूरी डिटेल दे ही दी है, वो लिंक पर से ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो या तो हमको व्हाट्सएप कर दो 9727955514, हम आपको गाइड करेंगे, आप खुद ही डाउनलोड करो इंस्टॉल कर लो और इस टाइप के लेबल प्रिंट करके आप मेडिसिन पर लगाना स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। इसके अंदर एक दूसरी एक जरूरी बात ये है कि यहाँ पर डोज भी आ जाता है, तो डोज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जब मेडिसिन बनता है पेशेंट को देते हो तो वो उसको सुबह में लेनी है, शाम को लेनी है, आफ्टर फूड, बिफोर फूड, वो सब डिटेल भी प्रिंट हो जाती है, तो आपकी मेहनत काफी बच जाती है, टाइम सेविंग हो जाता है और लेबलिंग भी एकदम एलिगेंट लगता है, ऊपर आपके स्टोर का नाम वगैरह भी प्रिंट हो जाता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर पेशेंट का नाम वगैरह सिलेक्ट कर लिया, मैं मेडिसिन में आ गया। मेडिसिन में हमको ध्यान में ये रखना है कि वहाँ पे जो बारकोड का नंबर था वो यहाँ पे टाइप कर देना है उसी बैच का। दोनों सॉफ्टवेयर अलग है, बारकोड लेबल प्रिंटिंग फ्री है, यहाँ से बारकोड लेबल प्रिंट नहीं होता है। अब मैं यहाँ पर वो दोनों बैच सिलेक्ट करता हूँ, बारकोड से स्कैन कर रहा हूँ, देखिए ये देखो ये मेडिसिन आ गई, देख रहे हैं, दूसरा बैच भी ले लेता हूं, ये देखो डायरेक्टली, मतलब बैच सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, एक्सपायरी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, बाकी जनरली ये मेडिसिन सिलेक्ट करते हो बाद में उसका सब जो भी बैच वगैरह सब सिलेक्ट करना पड़ता है, यहां पर ये अपने आप फटाफट हो जाता है दोस्तों। तो यही है मजे की बात, इस तरीके से आपका बिलिंग भी हो जाएगा दोस्तों। तो ये है हमारा फ्री बारकोड लेबल प्रिंटिंग स्पेशली फॉर फार्मेसी स्टोर्स, जो आप हमारी वेबसाइट
बारकोड लेबल गुरु के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, और यहाँ पर ये सब डिटेल्स आपको दी हुई है कि कैसे ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट होगा, बिलिंग कैसे होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये बारकोड लेबल डिज़ाइनिंग के लिए भी यहाँ पर क्रिस्टल रिपोर्ट का ट्रेनिंग गाइड वीडियो है, और क्रिस्टल रिपोर्ट आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की लिंक ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you.